राजस्थान के मांडलगढ़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की 4 अप्रैल को मौत होगी। उनकी मौत का मामला अभी तक भी सुलझा नहीं है। हाल ही में विवेक की बेटी अवनी और पत्नी पद्मिनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें अवनी ने अपने दादा पूर्व जिला प्रमुख इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ और अपनी बुआ पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया। लेकिन अब विवेक धाकड़ की मौत के मामले ने एक नया ही मोड़ ले लिया। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। दरअसल विवेक की पत्नी और बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वो मदद की गुहार लगा रही थी। लेकिन अब विवेक धाकड़ की मौत के मामले में एक नया मोड़ दिख रहा है। जब विवेक धाकड़ के पिता पूर्व जिला प्रमुख इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ ने बेटे विवेक धाकड़ की पत्नी पद्मिनी समेत 6 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पत्नी सहित 6 लोगों पर आत्महत्या के लिए विवेक धाकड़ को मजबूर करने का मामला दर्ज हुआ है। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के पिता पूर्व जिला प्रमुख इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट पर सुभाष नगर थाने में एक केस दर्ज किया गया है। इस मामले पर सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के पिता कन्हैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट पर विवेक की पति पद्मिनी सहित 6 लोगों के खिलाफ विवेक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया। बता दें कि इससे एक दिन पहले पद्मिनी ने भी अपने ससुर कन्हैयालाल के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट दी थी कि उसके पति विवेक धाकड़ को टॉर्चर किया गया, जिससे वह मरने पर मजबूर हो गए। पद्मिनी ने अपने ससुर व अन्य लोगों पर मारपीट कर घर से निकाल देने का भी आरोप लगाया। तो उधर कन्हैयालाल धाकड़ ने 6 मई को कोर्ट में इस्तगासा भी पेश किया था। रिपोर्ट में पद्मिनी और अन्य लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले की जांच थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर स्वयं कर रहे हैं। पद्मिनी के साथ साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट को पेश किए गए इस्तगासे में पद्मिनी की बहन वंदना सिंह, नर्मदा सिंह, कृष्णा देवी मेहता और कावेरी को आरोपी बताया गया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक विवेक धाकड़ की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में साल 2003 में पद्मिनी के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों की बेटी अवनी का जन्म साल 2008 में हुआ था। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी मीडिया।